चुनौती तो स्वीकार कर ली है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम दिनों में ये सब कैसे हो पाएगा। कौन सा ऐसा नाटक तैयार करूं जो बच्चे आसानी से समझ पाए, जिससे वो कुछ सीख भी पाए और अंग्रेजी में अपनी पकड़ सिद्ध कर पाए। आओ मेरे साथ। प्रश्न नहीं जिसका इसमें उत्तर नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर भी इसी में मिल जाएगा। सीधा कीचक वध अध्याय खुला। मतलब मैं कीचक वध पर नाटक करूं? आप ही ने तो कहा था ना कि इस साल के स्नेह सम्मेलन में आप खाडिलकर जी द्वारा लिखित कीचक वध नाटक का मंचन करना चाहते हैं। नाटक तो लिखा हुआ है श्रीकांत। साईं, पर वो तो मराठी में है। उसको आप बड़ी आसानी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं और उसमें वो सारी चीजें हैं जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। ठीक है साईं, मैं कीचक वध नाटक का ही मंचन करूंगा। अच्छी नीयत से और राम जी का नाम लेकर किया हुआ हर काम सफलता देता ही है श्रीकांत। राम जी भला करें। हरिओम हरिओम। आपकी समस्या क्या है पता है बलवंत जी? मैं बताता हूं, आप नए तालाब में बिना लकड़ी का सहारा लिए बिना जांच पड़ताल किए सीधा उतर गए तैरने के लिए। ये भी नहीं देखा कि तालाब कितना गहरा है, इसमें कई मगरमच्छ तो नहीं है। हरिओम लीजिए। अरे लीजिए। इसलिए आपका हर दांव आधा अधूरा रह जाता है। ताने मारना बंद करेंगे? अरे ताने नहीं दे रहा हूं, आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूं। और वास्तविकता ये है कि वो फकीर बहुत चतुर है, चलाक है। वो पता है मुझे। कुछ ऐसी चीज बताइए जो मुझे पता नहीं हो, जैसे कोई इलाज, कुछ उपाय उस फकीर का। बताऊंगा बताऊंगा, मैं आने पर सब कुछ बताऊंगा। अभी से कुछ किया तो उस फकीर को अवसर मिल जाएगा कोई चाल चलने का। बच्चों का नाटक हो रहा है, होने दीजिए। समय आने पर पर्दा हम ही गिराएंगे।
हम सब बहुत उत्साहित है अध्यापक जी, बताइए ना कौन सा नाटक होने वाला है। कीचक वध। विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले किंग लियर, विल डू पार्ट ऑफ दैट प्ले, ओके? ये कैसा नाटक है? कोई पंचतंत्र या जातक कथाओं की कहानी कहो। सरकार, ये लंदन का पंचतंत्र ही है। अच्छा, मान गया, ये तो बड़ा मूर्ख निकला। इन बच्चों ने बॉम्बे में अपने अपने स्कूल में शेक्सपियर का नाटक पहले भी किया है, इसलिए हमारा काम आसान हो जाएगा। ये एक बहुत ही दुख भरा प्ले है। एक राजा, किंग लियर, उसने अपना पूरा राज्य अपनी उन दो बेटियों के बीच में बांट दिया, जो कि बहुत ही मतलबी है और हमेशा उसकी चापलूसी करती है। लेकिन तीसरी बेटी, जो कि अपने पिता से सबसे ज्यादा प्रेम करती है और हमेशा सच का साथ देती है और सच ही बोलती है, उसे ही बेदखल कर दिया। कहानी द्रौपदी की है, जो सुरेंद्री के रूप में पांडवों के साथ अज्ञातवास में राजा विराट के राज्य में सेवक बनकर रह रही थी। वहां उनके सेनापति कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली, अपने बल से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उस सैरेंद्री के अपमान का बदला भीम ने कीचक का वध करके लिया। इसी प्रसंग पर यह नाटक है। मैंने इसके दोनों भागों को अंग्रेजी में लिखा है, हम इसी का मंचन करेंगे। तुम सब इसे एक बार साथ में पढ़ लो, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी भूमिका कौन निभाएगा। प्रणाम साईं। राम जी भला कर। आपने ये ऊन और सुइयां मंगाई थी। शुक्रिया रेहाना। जी साईं, चलती। हैव द स्पेशल बीन प्रिपेयर्ड विल। Ever remain the ample third of our fair kingdom. No less in space, validity, and pleasure. What can you say to draw? A third more opulent than your sister? Speak. Nothing, my lord. Any question? No, ma'am. Ye to bahut simple hai. Dekha sarkar. ये बच्चे कितने तेज हैं, इन्हें तो हमारी मदद की जरूरत ही नहीं है ये शर्त जीतने के लिए। गांव के उन फटीचर बच्चों के बस की बात नहीं है ये शर्त जीतना। उन्हें तो अपना खुद का नाटक भी समझ में नहीं आएगा। बलवंत जी, उस फकीर को कम मत समझिए, पहले भी आप ये गलती कर चुके हैं। वो फकीर जरूर कोई ना कोई चाल खेलेगा, इसीलिए मैंने संता पंता को वहां भेजा है जासूसी करने के लिए। हरिओम। रागिनी, तुम द्रौपदी बनोगी। और बाला, तुम बनोगे भीम। चेतन,
चलिए पंता जी, ये सब चल के सरकार को बताते हैं। चलिए। ए फकीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तू हम दोनों की जासूसी तो नहीं कर रहा है? मैं तो यहाँ बच्चों का मार्गदर्शन करने आया हूँ। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं किसी की जासूसी तो नहीं कर रहे हो? हम तुझे क्यों बताएं फकीर? ठीक है, मत बताओ, लेकिन मेरी एक मदद तो कर सकते हो ना? मदद? कैसी मदद? कल मुझे किसने एक पहेली पूछी थी, लेकिन मैं उसका हल ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मैंने सोचा शायद तुम दोनों मेरी मदद कर दो। ए फकीर, हम यहाँ तेरी पहेलियां सुलझाने के लिए नहीं आए हैं। चलो पंता जी, और भी बहुत काम है। हाँ ठीक ही है, जब उस पहेली को मैं नहीं सुलझा पाया तो तुम दोनों कैसे सुलझा पाओगे? तू कहना क्या चाहता है? कि हम तुझसे ज्यादा अज्ञानी है? हा? चल बोल, क्या पहेली है तेरी, बोल। ध्यान से सुनो। लंबा तन है, बदन है गोल, मीठे रहते मेरे बोल, तन पर मेरे होते छेद, भाषा का मैं करूं ना भेद, बोलो क्या? लंबा तन, गोल बदन, कहीं हम? चलो ठीक है, इसका हल ढूंढना तुम दोनों के बस की बात नहीं है, छोड़ो। ए फकीर, चुनौती मत दे, हम पता करके रहेंगे और तुझे आकर बताएंगे। हाँ चलो चलो। पंता जी, वो पहेली को तो दोहराइए ना। लंबा तन है, बदन है गोल, मीठे रहते मेरे बोल, तन पर मेरे होते छेद, भाषा का मैं करूँ ना भेद, बोलो क्या? आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? गोल बदन, चुड़ैल। पंता जी, कौन सी चुड़ैल मीठे बोल बोलती है? जब मन में कोई सवाल या शंका घर कर ले तो जवाब चाहे सामने ही क्यों ना हो, हम उसे देख ही नहीं पाते हैं, उन शंकाओं में ही घिरे रह जाते हैं। जैसे ये दोनों देख नहीं पाए कि उस पहेली का जवाब तो उनके सामने ही था। हो? मेरे सारे दोस्त वहां नाटक की तैयारी कर रहे होंगे, तो फिर मैं हिस्सा क्यों नहीं ले सकता हूं? मन तो मेरा भी कर रहा है बेटा, लेकिन पिताजी और बलवंत काका को पता नहीं चल सकता है कि वहां क्या चल रहा है। हमारे द्वारा गलती से भी पिताजी और बलवंत काका को वहां की खबर ना मिले, नहीं तो वो दोनों उसे
तुम्हारे ही दोस्तों के विरुद्ध इस्तेमाल करने लगेंगे, इसीलिए हमारा उसमें ना शामिल होना ही बेहतर है। क्या कर रहे थे वो? वो बच्चे तो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या सांप सुन गए तुम लोगों को? बोल कह के बताओ, क्या सुन के आए हो वहां से? लंबा तन गोल बदन। क्या बकवास है ये? माफ कीजिए सरकार, हमने सुना तो था, लेकिन फिर उस फकीर ने पहली पूछी और हम पहली का हल सोचने में लग गए और भूल गए। भूल गए? उस फकीर ने तुम लोगों का ध्यान बटाया और तुम लोग नाटक के बारे में सब कुछ भूल गए? सरकार, ये कैसे बेवकूफ नौकर पाल के रखे हैं आपने? माफी सरकार, हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे। क्यों पता जी? और इस बार आपको सब बता कर रहेंगे। तो यहाँ करोगे प्रयास? वहां जाओगे ना? तो जाओ जी। संवाद याद ही नहीं हो रहे हैं। इतने कठिन शब्द के 10 बार रटने के बाद भी भूल जा रहे हैं। हमने अंग्रेजी सीखनी अभी शुरू की है, क्या हम अपना नाटक हिंदी में नहीं कर सकते? शर्त तो अंग्रेजी में नाटक करने की लगी है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। श्रीकांत, जरा यहां आइए। जी साई। श्रीकांत, मैं किसी के लिए ये ऊनी जुराब बना रहा हूं, लेकिन मेरे भिक्षा का समय हो रहा है, क्या इसके आगे का आप बना देंगे? मुझे बुनाई नहीं आती है। आसान है श्रीकांत, जैसा मैंने बनाया है उसे देख देख के आपको बुनाई समझ आ जाएगी। लेकिन सिर्फ देखकर कैसे कर पाऊंगा, समझ भी तो आनी चाहिए। भाषा का भी तो ऐसा ही है ना श्रीकांत, जब तक बच्चे समझेंगे नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, इन्हें याद कैसे रहेगा? ये मैंने क्यों नहीं सोचा, जबकि मैं तो अध्यापक हूं। शुक्रिया साईं। देयर शैल बी नो मर्सी। मर्सी मतलब क्षमा। शाबाश, भीम कहते हैं, दिस इज द मोमेंट ऑफ पनिशमेंट। भीम कह रहे हैं कि कीचक, तुम्हारे दंडित होने का समय आ चुका है। फॉर ऑल योर एबिल्स। एबिल्स मतलब पाप, बुरे कर्म। बिल्कुल सही। इसका मतलब यह कि तुमने जितने भी पाप किए हैं, जितनी भी दुष्टताएं की हैं, उन सब के दंड देने का समय आ चुका है। यहां समझने वाली बात यह है
कि पाप का खड़ा धीरे धीरे भरता है। जब भी कोई बुरा व्यक्ति गलत काम करता है, कोई पाप करता है, तो उसे लगता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, और यही सोच रखकर वो अपने आप को और भी शक्तिशाली समझने लगता है। लेकिन जैसे जैसे उसका पाप दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उसे दंड मिलना निश्चित है, और यही संसार का नियम है। कोई शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब वो किसी पे अत्याचार करेगी, किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगी, किसी को कष्ट पहुंचाएगी, फिर उसकी भी दुर्बलताएं सामने आने लगती हैं, जिन्हें वो अपने अहंकार में, अपने घमंड में खुद नहीं देख पाता। लेकिन एक ना एक दिन कोई ना कोई उसका संहार करता है। यही रावण के साथ हुआ, यही कंस के साथ भी हुआ, और यहां भीम भी कीचक का वध ऐसे ही कर रहे हैं। बच्चों की रक्षा करना। Both with marriage challenge. Let's continue. So, Gondril, our eldest bone, speak first. So, I love you the most, that my words can win the matter. Dearest in the eyesight, with grace and happiness and liberty. इन्हें तो संवाद भी याद हो गए, कैसे फराटे से बोल रहे हैं, एकदम हाव भाव के साथ। इनका मुकाबला हम कैसे करेंगे? क्यों नहीं कर पाओगे? आखिर तुम्हारे पास भी एक ऐसी ताकत है जो उन लोगों के पास नहीं। कौन सी ताकत साई? वो सब बाद में, पहले तुम मेरी एक मदद करोगे? जी साई, लेकिन वो हमें नाटक का अभ्यास करने जाना है। वो भी हो जाएगा, पहले मेरे साथ तो चलो। आओ साई, हमें अपने साथ कहाँ ले जा रहे? अभी उन बच्चों को देखने के बाद तो हमें हर समय अभ्यास ही करते रहना चाहिए। हाँ, हम उनसे बहुत पीछे हैं। उनकी अंग्रेजी के आगे तो हमारी बोली बेकार है एकदम। बच्चों, वहां देखो,
इनकी आई को खाना ढूंढने अक्सर यहां वहां जाना होता है। उस दौरान बच्चे धूप में रहते हैं, बारिश में भीगते हैं। इनके लिए छोटा सा घर बनाने में मेरी मदद करोगे? जी साई। साई, क्या क्या सामान चाहिए होगा? दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हर का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आज अभ्यास में देरी हो जाएगी, चलो। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। सामान तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन घर बनाएंगे कैसे? मैं बताता हूँ, मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है। चलो भिन्न नाम से एक भजे रे, रहीमन है वही राम, रहीमन है वही राम। अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे, जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अब नाटक के अभ्यास के लिए जाए। बच्चों, जानते हो इतनी जल्दी घर कैसे बना? कैसे साईं? क्योंकि तुमने एक दूसरे के साथ ही काम नहीं किया, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हुए काम किया। जब नंदू को भार उठाना मुश्किल हुआ,
तब बाला ने आकर उसका हाथ बटाया। जब नंदू के पास अच्छा सुझाव था तब तुम सब ने इस पर विश्वास किया और इसका सुझाव माना और इसीलिए यह सुंदर घर बन गया। बच्चों, ये तुम्हारी एकता, एक दूसरे पर भरोसा ही तुम्हारी वो ताकत है जो तुम्हारे नाटक को सफल बनाएगी। सब में कोई ना कोई विशेषता है, जैसे रागिनी को अभिनय कला अपनी आई से मिली है, तुम इसकी मदद ले सकते हो अभिनय में। श्रीकांत से अंग्रेजी के लिए मदद ले सकते हो, शब्दों के उच्चारण में मदद ले सकते हो। बच्चों, ऐसे ही एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का हौसला बढ़ाओ और एक दूसरे को बेहतर बनाओ। एक बात तुम सबको समझनी है बच्चों, और वो ये कि तुम्हारी प्रतियोगिता उन बच्चों से नहीं है, तुम्हारी प्रतियोगिता है अपनी ही योग्यता से। जो आज हो उससे बेहतर बनने की प्रतियोगिता। तुम्हें उन बच्चों को हराना नहीं है, तुम्हें जीतना है अपनी ही सीमाओं से, अपने डर से। और अगर तुम ये कर सके तो इससे बड़ी जीत और कोई नहीं है। Have the special dishes been prepared well? Today is your test. Kichak Maharaj has just returned from Hastinapur. He should not find anything inferior here. ऐसे नहीं बेला, full confidence के साथ, ऐसे. Have the special dishes been prepared well? Today is your test. Kichak Maharaj has just returned from Hastinapur. He should not find anything inferior here. Bolo. Have the special dishes been prepared well? Today is your test. Kichak Maharaj has just returned from Hastinapur. He should not find anything inferior here. Whenever Duryodhan Maharaj came to Indraprastha to meet Yudhishthir Maharaj, I would make a similar food for him so that Duryodhan will remember the taste of my food for the rest of his life. And so will Kichak Maharaj. But let's hope that... Nandu, थोड़ा ऊंचा बोलो, सामने लोग बैठे होंगे, तुम्हारी आवाज आखिर तक पहुंचनी चाहिए। बोल। But let's just hope that does not happen, because compared to Ratnaprabha Rani Sahib, Draupadi is far more beautiful. Maharaj, when you were in exile, you didn't have to forget who were you or what you were. In the past, even in exile, the Pandav used to amaze the world by their glory. But today, what is your condition? You are the master of the throne of Indraprastha. But where do you have the freedom to utter those words? When Jayadratha cast a sinful gaze at your wife, you captured him, humiliated him and made him a slave. And you spared his life only out of consideration for your sister. Just as you had done then, why didn't you come forward and show your might when Kicha claimed again and again that he is Draupadi's husband? Draupadi, we are serving this period of exile and disguise. Don't forget this. Maharaj, I could endure not just 12 years exile, but a lifelong exile. Injustice? नहीं बेला, injustice नहीं, injustice.
मतलब अन्याय। अगर कोई भी शब्द बोलने या समझने में तकलीफ हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर याद करो। अब जैसे इनजस्टिस, अब देखो दिन वाला इन बस जैसा जस और इस जैसा इस, तो बन गया इन जस इस, है ना? छोटे छोटे हिस्सों में शब्द को बांटोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। हाँ ये आसान है, शुरू करो। साईं आपने सही कहा था, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। अब तो मुझे भी लगता है कि हमारा कीचक वधी सबसे अच्छा नाटक होगा। कीचकवद, हंस गया तो फकीर फंस गया। अंग्रेज सरकार ने इस नाटक पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। फकीर, तूने और श्रीकांत ने इस नाटक को चुनकर अपने लिए स्वयं ही संकट के द्वार खोल दिए हैं। हरिओम। साई, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी अगर नाटक में कोई कमी रह गई तो? और जहां तक मैं सरकार और बलवंत जी को पहचानता हूं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं करना है, उन्हें अभ्यास करने दो, नाटक का मंचन करने दो। बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन वो तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपको तो उन्हें गिराने की तैयारी करनी चाहिए। नहीं, उन्हें गिराने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद अपने गिरने की तैयारी कर रहे हैं। उनका ये नाटक ही उन्हें गिराएगा। इन नाटकों को देखने के लिए मैं अंग्रेज सरकार के बड़े अधिकारियों को बुलाऊंगा, और जब वो अपनी आंखों से देखेंगे कि जिस नाटक पर सरकार ने रोक लगाई है वही यहां मंचित हो रहा है, वो खुद श्रीकांत, उस फकीर और उन बच्चों को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। जब भी इंसान कोई अच्छा काम करने निकलता है तो बाधाएं आती हैं। ऐसे में श्रद्धा और सबूरी को कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि जिसके मन में मालिक हो उसे रास्ता भी मालिक दिखाता है और उसकी मुश्किलें भी मालिक ही हरता है। स्वीट है। हाँ? क्या है? स्वीट मतलब मीठा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये अंग्रेजी मुझ पे मत झाड़, चल अब नाटक के लिए चलना है। रागिनी,
तुम सबके साथ साई का आशीर्वाद है, श्रीकांत जी का आशीर्वाद है। देखना सब अच्छा ही होगा। तुम सबको सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय पर ध्यान देना है। तैयारी बहुत अच्छी है तुम सबकी। और हाँ, वहां किसी भी बात की वजह से तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए, इसलिए शुरू करने से पहले साई का ध्यान कर लेना। चल, जाते वक्त ना सुमन ताई के घर से होते हुए जाएंगे, उन्हें ये डिब्बा देना है। सारा सामान रख दिया है मैंने। एक चीज भूल रही हो चूते। प्रणाम सही। प्रणाम सही। राम जी भला करें। सब कुछ तो रखा है मैंने, फिर क्या भूल रही हो? श्रीकांत के लिए दही शक्कर। दही शक्कर मेरे लिए? नाटक तो बच्चे कर रहे हैं साईं, आज उनकी परीक्षा का दिन है। बड़ी मजबूत कुर्सी है। जी साईं, कारीगर ने अच्छा काम किया है। इसमें कारीगर का क्या योगदान है श्रीकांत? मजबूती तो लकड़े से आ रही है। साईं, लकड़ी तो अच्छी ही है, पर कारीगर ने जिस तरह से लकड़ियों को बांधा है, जोड़ा है, इस्तेमाल करने में मजबूती तो उसी ने दी है। उसी तरह नाटक अच्छा हुआ तो बच्चों के साथ साथ निर्देशक का भी तो योगदान होगा। इसीलिए आज परीक्षा आपकी भी हुई ना? मैं दही शक्कर लाती हूं। श्रीकांत, आप आज जो कर रहे हैं वो किसी सेनानी से कम नहीं है। बच्चों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है आपने, गलत को सही करने की कोशिश की है। आपका ये कदम सालों की गई तपस्या से कम पुण्य का काम नहीं है। साईं, सब ठीक हो जाएगा ना? कोई मुश्किल आने वाली है क्या? जब इरादे अच्छे हों, जब इरादे नेक हों, तो हर मुश्किल का भार राम जी अपने कंधे पे ले लेते हैं। फिर डर कैसा? आप दोनों नाटक मैदान में पहुंचिए, मुझे कुछ काम है, वो करके आता हूं। समय पर आ जाएंगे ना साईं? आपकी उपस्थिति से बच्चों को हौसला मिलता है। उसी हौसले को बनाए रखने के लिए ही तो जाना है। मन में साईं के क्या है, कौन जान पाए। देवा, आज के लिए मैंने जो योजना बनाई है वो सब अच्छे से हो जाए। मंदिर में 7 दिनों तक भंडारा करवाऊंगा मैं। सरकार, 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 अब क्या हुआ? फिर से कोई मनहूस खबर तो नहीं लेकर आए तुम लोग?
सरकार एक मुश्किल आ गई है। क्या हुआ? सरकार श्रीकांत और उन उपद्रवी बच्चों को गिरफ्तार करवाने के लिए जो अपने पुलिस वाले बुलवाए थे उन्हें आने में देर हो रही है। क्यों? बीच में उनकी गाड़ी खराब हो गई है। अब क्या होगा? सरकार हम बैलगाड़ी लेकर उन्हें लाने के लिए जा रहे हैं। अरे तो आप जाओ, वो क्या देख रहे हो? चलिए। उनके आने में देर हुई और अगर शिरडी के बच्चों का नाटक खत्म हुआ तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तू यही रुक, मैं अभी डिब्बा देके आती। हरिओ बलवन जी, शिरडी में वही होता है जो मैं चाहता हूं, इसलिए आप चिंता ना करें। बलवन जी, पूरा गांव आएगा नाटक देखने के लिए। इतना ही नहीं, शिरडी के बाहर के नामी लोग भी आएंगे। इतनी भीड़ के सामने मंच पर खड़ा होना कठिन तो होता है कि नहीं? क्या? बिल्कुल, बसात के बच्चों के लिए फिर भी आसान है क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन शिरडी के किसी बच्चे ने भूल की तो उसके सर पे शिरडी के बच्चों की शिक्षा को रोकने का आरोप लग जाएगा और ऐसा कलंक लेकर उसे आजीवन शिरडी में ही तो रहना पड़ेगा। ऐसे लांछन से तो बेहतर है कि वो नाटक करने से मना कर दे, नहीं तो आजीवन उसे उपहास का पात्र बनकर रहना पड़ेगा शिरडी में। चल बेटा, अगर आगे नहीं, क्या हुआ तुझे? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? हरिओम हरिओम। ये सब क्या था? बलवन जी, पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को आने में विलंब है ना, तो गांव के बच्चों का नाटक देर से हो उसका प्रबंध कर दिया है मैंने। मैंने कहा था ना बलवन जी, ये तालाब मेरे परिचय का है, यहाँ की हर मछली का भूत और भविष्य जानता हूँ मैं। अब देखिएगा किसी का भूतकाल किसी के वर्तमान को कैसे प्रभावित करता है। हरिओम। रागिनी, सब ठीक तो है ना? तो कुछ बोल नहीं रही है? हाय, सब ठीक है। रागिनी, आई से कुछ छुपाना ईश्वर से कुछ छुपाने जितना व्यर्थ होता है। क्यों?
क्योंकि ईश्वर जैसे हमारे मन को पढ़ सकता है, वैसी ही ताकत माँ में भी होती है। तैयार होना नाटक के लिए। साई अचानक से रागिनी, परीक्षा से पहले अपनी योग्यता पे संदेह करना आम बात है। सबके मन में प्रश्न होता है कि वो परीक्षा में सफल हो पाएगा भी या नहीं, लेकिन सफलता के बारे में नहीं सोचो रागिनी। सफलता तो फल है, परीक्षा कर्म है। कर्म करो और फल की चिंता राम जी पर छोड़ दो। इसे अपने पास रखो, जब भी लगे कि किसी मुश्किल में हो, आगे का रास्ता ना दिखे, तो इसे खोल कर देखना, मदद करेगा। लो। नमस्ते समर्थ जी। नमस्ते। आइए आइए। भीमा काका, सरकारी कर्मचारियों को बैठने के लिए कुर्सी और हमें जमीन पे, और ये लोग कहते हैं कि अंग्रेज सरकार हमारे लिए सोचती है। साई, रागिनी अब तक आई नहीं है, कहाँ रह गई वो? काश मैं भी तुम लोगों के साथ नाटक में हिस्सा ले पाता। बच्चों, परीक्षा से पहले गुरुजी के पैर नहीं छूओगे? एक और गुरु है तुम्हारी, लेकिन वो तो चेतन, उनका औधा गुरु का ही है और कुछ मायने नहीं रखता है। गुरु के प्रति केवल श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु उसे स्वीकार करे तो अच्छा, लेकिन गुरु के स्वीकार ना करने में भी गुरु किसी ना किसी रूप में हमें सिखा ही रहे होते हैं। All the best to you all. Thank you, teacher. सरकार, वो अंग्रेज अफसर आए नहीं अभी तक। बलवन जी, नाटक भी तो अभी तक शुरू नहीं हुआ। Mm-hmm.
जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जिन विद्यार्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा पास की है वो एक नाटक मंडली में है और जिन्होंने नहीं पास किया है वो दूसरी नाटक मंडली में है। और इन नहीं पास हुए बच्चों को आज ये सिद्ध करना है कि ये स्कूल में रहने योग्य हैं। सबसे पहले जो बच्चे पास हुए हैं वो अपने नाटक का मंचन करेंगे। उसके बाद श्रेणी के बच्चे अपना नाटक करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि श्री समर्थ जी विजेता टीम का चयन करेंगे। पहला नाटक अब शुरू होता है, किंग लियर। नाटक खत्म हो गया तो देश ध्रुवी हाथ आते आते बच जाएंगे और ये नाम सुन का बुद्धू बन जाएगा। अगर वो सच में कीचक वध नाटक कर रहे हैं तो आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो जल्दी चलो। नो दैट वी हैव डिवाइडेड इन थ्री आर किंगडम। टेल मी माय डॉटर, व्हिच ऑफ यू शैल लव अस मोस्ट? सर, आई लव यू। आई लव यू मोर देन द वर्ड्स दैट वीड द मैटर। देयर इज इन द आई साइड स्पेस and liberty beyond. What can be more valued? Rich or real? No less than life. With grace, happiness, beauty and honor. What shall Cordelia do? Love and be silent. We make the lady be this perpetual. What says our second daughter? Our dearest dragon, speak. Sir, I am made of the self same metal that my sister is and prize me at her birth. In my true heart, I find she names my very deed of love. Only she comes too short. And fine. I am all alone felicitated in your dear highness, love. Then poor Cordelia, and yet not so, since I'm sure my love more richer than my tongue. What can he say to draw a third more opinion than your sister? Speak. Nothing, my lord. Nothing? Nothing. Unhappy that I am. I cannot heave my heart into my mouth. I love your majesty according to my bond. Nor more, nor less. Cordelia, mend your speech a little, lest it may mar your fortunes. Good, my lord. You have begot me, breed me, love me. I return those duties back as are right fit. Obey you, love you, and most honor you. Wow, wow! क्या कमाल का diction है? ऐसे लग रहा है कोई अंग्रेजी बोल रहा हो। शिरडी के बच्चे इनको पछाड़ ही नहीं पाएंगे। क्या हम इन्हें हरा पाएंगे?